तो गाइस आज के वीडियो जो है, इस वीडियो में क्या हुआ कि मैं एक्सेल ओपन करके जब इसको चलाने गया तो मैं स्क्रॉल किया तो देखेंगे कि ये जूम हो रहा है और जूम आउट हो रहा है। तो मैं तो घबरा गया कि अब ये कैसे काम करेगा। और यहाँ पे मैंने कुछ लिखा तो ये मैंने देखा कि ऑटोमेटिक यहाँ पे डेसिमल में आ रहा है। तो फिर मैंने इसका सोल्यूशन निकाला, तो सोल्यूशन निकालना ज़रूरी है, तो इसका पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो ये जो हुआ है पूरा जूम इन जूम आउट का, और इसको हम क्या करेंगे, फाइल में पहले जाएंगे, फाइल ऑप्शन दिख रहा होगा, फिर सबसे नीचे मोर ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पर क्लिक कीजिए, या फीडबैक एंड ऑप्शन, तो ऑप्शन को चूज कीजिए। और अभी इसमें से क्या करेंगे कि एक्सेल ऑप्शन में तो आ गए, इसमें आपको कहाँ जाना है तो उसके बारे में बताऊंगा। जैसे कि आप कुछ भी लिख रहे हैं तो जूम इन जूम आउट हो रहा है, तो उसके लिए हम जाएंगे एडवांस में। जैसे कि यहाँ पर तो वो होगा नहीं, तो एडवांस में पर चले गए, स्क्रॉल कहाँ कर रहे हैं, स्क्रॉल हमें नहीं करना है क्योंकि इसमें हमें उसका कुछ देखना नहीं है। हमें यहाँ पर जो एडिटिंग ऑप्शंस हैं उसमें जाना है। यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली इंसर्टेड डेसिमल पॉइंट, यहाँ पर प्लेसेस हैं, तो अगर टू प्लेस हमने किया, जैसे यहाँ पर टाइप कर रहे हैं, यहाँ पर टू प्लेस पे डेसिमल लग जा रहा है, वहाँ पे अगर दो के जगह पे कुछ और लिख दें तो वहाँ पर ऑटोमेटिक डेसिमल बनता चला जाएगा जितना यहाँ पर लिखें प्लेस। जैसे कि मैं इधर जितना प्लेस लिख रहा हूँ उतना प्लेस पे यहाँ पर डेसिमल लगेगा। अब देखेंगे कि यहाँ पर डेसिमल नहीं लग रहा है क्योंकि हमने उसको इनेबल कर दिया है। अभी क्या करेंगे कि जूम इन जूम आउट का भी देख लेंगे वहीं से कि इसको कैसे सही करेंगे। तो वापस ऑप्शन पे जाएंगे, एडवांस पे क्लिक कीजिए, और एक ऑप्शन दिख रहा होगा जूम ऑन रोल विथ इंटेली माउस, इसको बस अगर अनचेक करके ओके करेंगे तो आपका जूम इन और जूम आउट स्क्रॉल करने पर नहीं होगा। जैसे कि इसको अनचेक कीजिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर देखेंगे कि अब स्क्रॉल में कर रहा हूँ तो ये ऊपर नीचे जा रहा है, यहाँ पर राइट साइड में देख सकते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार से नीचे चला जा रहा है। तो ये तो हो गया। तो इसमें हमने बताया कि ये कैसे हमने किया। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।